महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी श्रोता गणों को स्नेह वंदना। भजन संहिता 13वां अध्याय का 3रा वचन, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। इन आशीषित वचन को आधार मानकर आँखों में ज्योति आने दे, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम मनन करें। शारीरिक ज्योति होने के कारण मृत्यु की नींद से एक छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, ये अच्छी तरह हमें मालूम है। अतः मृत्यु की नींद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो सहायता करता है वह है आँखों की ज्योति। इफिसियों की कलीसियों के लिए प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया, लोगों की आँखों को प्रकाशित करना प्रभु। कोई भी साधारण मनुष्य के जीवन में उनके वास्तविकताओं को प्रकट करने वाला भजन है यह भजन संहिता। हमारे विश्वास के यथार्थ जीवन के अनुभवों, विभिन्न परिस्थितियों में मानसिक विचार से हम जो प्रश्न करते हैं उसी प्रश्न के बारे में यहाँ दाऊद पूछ रहा है। हे मेरे परमेश्वर, क्या तू मुझे भूल गया है? क्या कब तक बोला रहेगा? लंबे समय से उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए जब हम प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करते हैं तो हमारी अपेक्षा अनुसार उत्तर ना मिलने पर पराजय, जीवन में विभिन्न तरह के निंदा का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह के प्रश्नों को पूछने की संभावना हो सकता है। संभावना ही नहीं, ऐसा संभव हो चुका होगा। संभवतः आज सुबह जब इन वचनों को सुन रहे हो, आप पूछ रहे होंगे, क्यों प्रभु, कब तक प्रभु, ऐसे प्रश्नों को पूछते हुए बैठे होंगे। सभी संभावनाएं आपके सामने समाप्त होने के पश्चात आपको मृत्यु ही नजर आ रही होगी। इस तरह की असंभव परिस्थितियों में एक संभावना का द्वार आपके सामने खुलना है तो आँखों में ज्योति आना जरूरी है। हृदय की आँखें यदि प्रकाशित होना है तो प्रभु के वचन को मनन कर पढ़ना जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में विश्वास को बढ़ाते हुए निरंतर प्रार्थना योद्धा बनकर सारे प्रश्नों को परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर के खिलाफ प्रश्न ना पूछो। वास्तविकता में मन का कोई भी बोझ परमेश्वर से खुलकर बोलने का हक हमें है। सभी प्रश्न प्रार्थनाओं में उपवास के साथ परमेश्वर के साथ साझा करने वाले हो, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध में प्रश्न ना पूछने का अर्थ इस तरह के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति में प्रार्थना समाप्त करके उपवास को त्याग कर वचन को मनन करना छोड़कर शैतान हमारे हृदयों में इस तरह के प्रश्नों को डालकर परमेश्वर से अलग होकर जीवन बिताने वाला अनुभव है यह। इसलिए आज सुबह ध्यान देना, परमेश्वर के विरुद्ध प्रश्न ना पूछना, प्रभु की उपस्थिति में होकर परमेश्वर से सारे प्रश्नों को पूछे। जीवन के विभिन्न अनुभवों में हमारे हृदय रूपी आंखें प्रकाशित होने पाए। समस्या हमारे हृदय की ज्योति को सीमित करने से सावधान रखे। कितना सुंदर प्रार्थना दाऊद यहाँ पर कर रहा है, मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हो लॉर्ड माई गॉड, लाइटन माइन आईज लेस्ट आई स्लीप द स्लीप ऑफ डेथ। यहाँ पर परमेश्वर का भक्त दाऊद का आँख प्रकाशित किया गया। इन छोटे से भजन के अगले 4 पदों को अलग अलग हृदयों के वेदनाओं के प्रश्नों को बताते हुए आखिरी के 2 छोटे पद 5 और 6 वचन में इस प्रकार प्रार्थना करके समाप्त कर रहा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसी ने मेरी भलाई की है। प्रिय लोगों, हमारे हृदय की आंखें किस स्तर तक प्रकाशित हुए हैं वह एक उदाहरण होगा। हमारे जीवन में होने वाले आंतरिक परिवर्तन एक तरह से हमारी परिस्थितियों की तुलना, जो आज और कल का जब हम करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, परंतु हमारे आंतरिक विचार में परिवर्तन वही है जो प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की मुख की ओर ताकते हैं तो, हृदय की समस्या परमेश्वर से साझा करते हैं तो, प्रश्नों को जो जैसा है उपवास एवं प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से साझा करते हैं तो एक भक्त के अंदर होने वाले आंतरिक परिवर्तन है। प्रिय श्रोतागणों, हमारी आँखों को प्रकाशित होने दो। अतः कब तक इस तरह के सवाल करने से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की है, मैं उसके लिए एक नया गीत गाऊंगा, इस तरह का मानसिक बल आंतरिक बल प्राप्त करें।
इसलिए प्रियो, निराशा में रहकर सवालों के साथ परमेश्वर तूने मुझे त्याग दिया है ऐसे बातें बोलकर दुखित रहकर नहीं आज के दिन की शुरुआत करना, परंतु हमें यह विश्वास करना है परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है, अपने मार्ग में चलाने में विश्वास योग्य है समझकर अपने हृदय में परमेश्वर का बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। वास्तव में परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के सामने लज्जित नहीं करेगा, आपको परमेश्वर भूला नहीं है। आपके बारे में जो परमेश्वर का जो आशीषित विचार है उन्हें चिन्हों के साथ प्रकट करके आपके लिए कार्य करने पाए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परम पवित्र पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले जो निराशा में, बोझ से, वेदनाओं में, अनेक सवालों में, जो भी लोग जो आपके बच्चे हैं उन पर दया कर आपके वचन के द्वारा हृदय की आंखों को प्रकाशित करते हुए भलाई के लिए एक चिन्ह प्रकट करना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हैव ए ब्लेस्ड डे।